सगड़ियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दूल्हे की मुंह दिखाई के साथ आप सब लोग का मैं इस ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। फिर से तो मेहंदी वाला ब्लॉग काफ़ी दिन पहले आ गया था और काफ़ी दिन बाद आ रहा है शादी वाला वीडियो। तो दूल्हा रेडी होके आ गया है ऊपर डोली में बैठने के लिए और यहाँ पर लोग अब डोली की पूछने लगे हैं। तो यानी कि बारात जाने की तैयारी हो गई है। माँ भी जन सभी लोग को पता है कि दूल्हे की नज़र उतारते हैं, डोली की नज़र उतारते हैं जब बारात वापस आती है तभी। और साथ में यहाँ पर चल रहा है चलिया डांस, जो कि मैंने इस अलग से वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो दूल्हे को तैयार करने वाला और सेहरा बांधने वाला वो सब वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग खुद ही तैयार हो रहे थे और अभी बस बारात निकलने वाली है। तो इस वीडियो में बस यही है कि बाराती मैं नहीं जाऊँगी और जो रतीली होती है औरतों की और जो डांस होता है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊँगी। बारात जाने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और बच्चों को भी खिलाया, ध्रुव को, नमन को। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो डांस चल रहा था। ध्रुव की ताई लोग और मेरी बुआ लोग सब डांस कर रहे थे और ध्रुव ने अपनी ताई को देखा तो वो भी चले गया उनके साथ डांस करने के लिए। Oh,
क्या फोटो आएगा। जा जा जो जो दिन चाह जा फोटो खींच मैं खींच रही हूँ। गेट लगा दो, तो गेट लगा दो। गाने की काम रहा गाना क्या करे सुंदर है तुरंत। रात के बज गए हैं 8 और बारात वहाँ से निकल गई है। तो मम्मी आटा वाटा गूंथ के सब्जी मैंने काट ली थी और आटा गूंथ के मम्मी चली गई है ऊपर चल रहे हैं थोड़े कीर्तन वीर्तन। और ध्रुव भी ऊपर ही गया है तो मैं भी ऊपर ही चलती हूँ। अब सुबह अब एक बार उसको दे बहुत बुआ तो साइड कर क्या साइड कर बुआ तो बच्चे शंख बजा रहे हैं क्योंकि बारात पहुंच गए रोड में और सामान होता है जो भी दुल्हन का वहां से आता है और यहां से जो दूल्हे का सामान दुल्हन का जो भी श्रृंगार का सामान होता है जिस बक्से में वो बक्सा भी आ गया है। और बारात रोड में पहुंच गई है और अंदर ताई लोग गा रहे हैं फाग बोलते हैं जिसको शगुन गीत या शगुनार्थ बोलते हैं। और यहाँ पर आ गई है भाभी जी दादा लेके आ गया है भाभी को और मम्मी लोग अभी जैसे सुबह डोली पूजी थी उसी तरीके से अब डोली वोली पूजेंगे और उसके बाद चलेंगे अंदर। और मम्मी लोग डोली पूजने लग गए हैं तो दूल्हा दुल्हन को पहले ही लेके आ गए मतलब जल्दी लेके आए जैसे जहाँ पर खला होता है सब जगह जैसे हमारे गांव में पौड़ी खला तो कोई भी बारात आए तो वहाँ पर से होके आती है तो वैसे यहाँ पर भी है तो वहाँ पर तक बाराती सब साथ थे। अब वो लोग वहीं डांस कर रहे हैं और भाभी लोग को जल्दी लेके आ गए हैं इसीलिए बैकग्राउंड में छलिया और बारातियों की आवाज़ नहीं है। तो ये रस्म होती है भिटोले की यानी कि जो चावल होते हैं ये भाभी के मायके से आए होंगे और ये होता है मिठाई वगैरह सब ये भिटोला होता है मतलब फर्स्ट दिन शादी के दिन भेजते हैं उनके मायके से तो अपने हस्बैंड को और लड़कियों को बांटते हैं ये। इतनी छान दुर्गुब्बा सफेद वाले तुम वीडियो और अच्छा अरे नहीं बनेगा जाओ ना बुआ अच्छा नहीं अच्छा नहीं मम्मी मम्मी को फोन देगा आज मैं
तो यहाँ हो रहा है गृह प्रवेश, यानी कि दरवाजे के पास पे पूजा होती है। कुछ आटे के पूरियाँ जैसी बनाई होती हैं, उसके ऊपर चल के आना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये रस्म होती है सास के और बहू के बीच में, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना दूध में वो लोग रिंग ढूंढते हैं, उसी तरीके से कुछ चावल में हम लोग सिक्का ढूंढते हैं। तो 5 बार ये किया जाता है और 5 बार ताई यानी कि दूल्हे की मम्मी छुपाएंगी उसको, और 5 बार उनकी बहूरानी ढूंढेंगी यानी कि दूल्हा ढूंढेगी उसको। खाली फिर बोलखिन पका तता खाबे छोड़ में भर मज में हाल ली तो ठेक पका रख और प्रणाम कर अरे नहीं मिलता है तो फिर हेल्प कर देता है। इतना मस्ती हो रहा है। अब हेल्प कर देगा राजू दा थे मम्मी हेल्प कर दो को राजू दास तो भाभी के डांस के साथ साथ इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।